स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के प्रति जिले के उपायुक्त ने तीनों नगर निगम निकाय को कई दिशा निर्देश दिया गया, जिसको लेकर एक बैठक दुकानदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ की गई, जिसमें बाजारों में किसी तरह गंदगी ना फैले और दुकानों के आसपास गंदगी ना हो, उसको लेकर सभी दुकानदारों को डस्टबिन लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्लास्टिक पर कैसे नकेल कसा जाए, उसको लेकर भी बाजारों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे हमारा शहर पर्यावरण के साथ स्वच्छता संरक्षण में बेहतर आ सके, जिसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। कल उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ और उस निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज साक्षी दुकानदारों के सदस्यगण और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के द्वारा यहाँ बैठक की गई। इस बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानदार अपने दुकान के बाहर या अंदर दो डस्टबिन रखेंगे और उसमें एक गीला कचरा एक सूखा कचरा रखेंगे। अगर कोई दुकानदार बाहर कचरा फैलाते हुए या फेंकते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर जो है नोटिस किया जाएगा और नोटिस का सही जवाब नहीं आने के बाद उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और फाइन करते हुए उनको 8 दिन का नोटिस दुकान भी बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर को एक स्वच्छ शहर बनाएँ और इसी कड़ी में जो है उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कल बैठक हुई है और उस बैठक को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तीनों नगर निकाय और इसमें आगे हम लोग जो है और भी बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो है और कैसे कचरा को हम लोग कम करें रिड्यूस करें, इसको लेकर के हम लोगों ने प्लास्टिक पर फिर से मुहिम छेड़ा है और प्लास्टिक के खुदरा विक्रेता से लेकर थोक विक्रेता और चाहे सब्जी विक्रेता हो जो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, उन सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या को बेच रहे हैं कोई सामान उसमें, उसको अविलंब उसको रोक दिया जाए और अन्यथा जो है फिर हम लोग के द्वारा पकड़े जाने पर उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा और साथ में जो लॉ के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो जमशेदपुर एक क्लीन सिटी है, ग्रीन सिटी है। इस सिटी को स्वच्छ बनाने में सिटीजन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और सिटीजन अगर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से इस स्वच्छता सर्वेक्षण से लेकर के हम लोग जो है आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हम लोग परचम लहरा सकते हैं और जो लोगों का सपना है कि जमशेदपुर को टॉप 10 में आना चाहिए, उस सपना को हम लोग पूरा कर सकेंगे। तो जमशेदपुर के लिए जो है एक बड़ा सुनहरा सौगात है कि इसमें प्रशासनिक महकमा भी लग गया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग लगे हैं, हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन सभी लोगों के द्वारा जो है एक मुहिम छेड़ा गया है और इस मुहिम में हम लोग चाहते हैं कि सिटीजन इंगेजमेंट और सिटीजन का भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता के जो सहयोग से हम लोग शहर को स्वच्छ रख सके और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है जमशेदपुर को टॉप 5 में ला सके। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।